राजेंद्र जी, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन समस्याएं जब हम देख रहे हैं वो जस की तस है। हम क्या बातों में ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं और एक्शन मिसिंग है? देखो, ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है, जिसके कारण प्रकृति का जो क्रोध है, एंगरनेस ऑफ नेचर है, उसमें अब बहुत सारी महाविस्फोट हो रहे हैं। जैसे ये जो कोरोना है, ये किसी के लालच की देन है। जिन देशों में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन को बहुत तेजी से मीट करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो लोग ये सब भूल जाते हैं कि प्रकृति क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं, हमारा लालच क्या है। और प्रकृति इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरे प्लेनेट को कैसे सस्टेन कर सकती है, और हमारी सस्टेनेबिलिटी और दूसरों की सस्टेनेबिलिटी, वो सब साझी है, कॉमन है। हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग नहीं है, वो कॉमन है। इसलिए जब हम लालच में अंधे हो जाते हैं, तब हमारी लाभ की कंपटीशन हमें सब कुछ भुला देती है, और फिर लाभ कमाने की कंपटीशन में हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं। जो लोग इस लाभ कमाने के कंपटीशन में आगे निकलना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को और इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी आज नेचर का मैक्सिमम यूज सिखाती है, एक्सट्रैक्शन सिखाती है, एक्सप्लोइटेशन पढ़ाती है, और एनक्रोचमेंट पढ़ाती है, पॉल्यूशन पढ़ाती है। तो जब हम अपनी पढ़ाई में केवल नेचर का एक्सप्लोइटेशन पढ़ते हो, तब पूर्णिमा बहन, आप कैसे ये कल्पना कर सकती हैं कि हमारे मन में नेचर के नरिशमेंट की चिंता है, नेचर के पोषण की चिंता है, प्रकृति के पोषण की चिंता नहीं रहती उस वक्त। हमारा लालच प्रकृति के पोषण को भुला देता है, केवल शोषण सिखाता है, और हम उस शोषण में फंस जाते हैं। और ये शोषण जो है, ये तकनीकी है। दुनिया के कुछ एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट इसके सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में ढूंढते रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी टेक्निकल सॉल्यूशन कहीं इस प्रॉब्लम का मिला नहीं है। इसके जो सॉल्यूशन है, वो ह्यूमन अडेप्टेशन फॉर नेचर में है। ये मानवीय जीवन का अनुकूलन प्रकृति के साथ कैसा है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ नीड इस नेचर से कैसे मीट कर सकती है, उसमें है। हम जब नेचर के अडेप्टेशन से दूर चले जाते हैं, तो फिर हमारे सारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने में केवल हमारा लालच प्रबल हो जाता है। और जो लोग इन बातों को समझते हैं, जो अपने जीवन में नेचर के साथ अडेप्टेशन करके जीते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं। उनके जीवन में उदासीनता रहती है, वो समझते हैं कि भाई, ये तो सामने वाला मेरी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपना माथा क्यों बचाऊं। तो पहला लालच और दूसरी जानकार लोगों की उदासीनता, उसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरे ढूंढ रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट है, चैलेंज है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन वो सॉल्यूशन हमारे भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा का जो पुराना संदेश था, उसमें है। हम जो लोग रियली भारतीय जीवन पद्धति को जीते हैं, उनकी जीवन पद्धति में, उनके लाइफ स्टाइल में
इस नेचर का रेस्पेक्ट और नेचर के प्रति अडेप्टेशन का भाव बराबर बरकरार रहता है और उसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जिनके जीवन में ये नहीं रहता वो अपने लालच में पहले पैसा कमाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर पैसा डॉक्टरों पर इलाज के लिए खर्च करते हैं और जीवन में आनंद उनके आखिरी दिन तक नहीं आता। इसलिए पूर्णिमा बहन, तुमने जो विषय चुना है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन इसका व्यवहार बड़ा कठिन है। व्यवहार असंभव नहीं है, कठिन है। मेरे जैसा मामूली व्यक्ति अपने जीवन में ये कह सकता है कि हमने जलवायु परिवर्तन की अडेप्टेशन करके लाखों लोगों के जीवन को जो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, जो उजड़ गए थे, वो दोबारा बसने के योग बने, अपने अपने जीवन को पानीदार बना के दूसरों की आंखों के पानी को पहुंचने में सक्षम हुए। इसलिए ये करना आसान है, हमें करना चाहिए, पर हम क्यों नहीं करते, ये हमारे लिए समझना आज की इस चर्चा में जरूरी है। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि आज जो प्रकृति का ज्यादा शोषण करने वाला है वो ज्यादा बड़ा आदमी है, उसको दुनिया बहुत मालाएं पहनाती है। जो तुम देखो अडानी अंबानी, जो सबसे बड़े शोषक हैं इस नेचर के, वो इस देश की सरकारों में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट पाते हैं, उनकी बातें सरकारें सुनती है, समाज भी सुनता है। तो जब एक्सप्लोइटर, पॉल्यूटर, एनक्रोचर रेस्पेक्ट पाने लगता है, तब समाज भी चिंता छोड़ देता है, सोचता है कि सबको मरना है तो हम भी मर जाएंगे। यही तुम कोरोना में देखो ना, कोरोना में जब मजदूरों को अपनी हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, इन सब की चीजों की संभावनाएं नष्ट हो गई, तो लोग अपना बिना बस के, बिना ट्रेन के सड़क पर निकल पड़े अपने घर जाने के लिए, जहां उनके जन्म के समय उनकी नाल दबी थी। उन्होंने कहा जब मरना ही है तो वहीं जाके मरेंगे जहां हमारी नाल दबी है, यहां क्यों मरे, शहरों में क्यों मरे। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते जब हमारे हटते हैं, ये रिश्ते जब हमारे नेचर के साथ टूटते हैं, तब हमारा जीवन बिखर जाता है। और इस बिखरे हुए जीवन को तकनीकी और इंजीनियरिंग से ठीक नहीं कर सकते पूर्णिमा बहन। इसको यदि ठीक करना है तो फिर हमारी जो कल्चर है, हमारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारी जो प्रकृति के साथ देखने, रहने, जुड़ने के रिश्ते हैं, वो हमें मजबूती देते हैं। और उन्हीं रिश्तों के कारण कभी दुनिया के हम गुरु थे, ग्लोबल टीचर थे। कभी किस चीज में ग्लोबल टीचर थे? और चीजों में नहीं थे। हम इकोनॉमी में कभी ग्लोबल टीचर नहीं रहे। हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में कभी दुनिया में आगे नहीं रहे। हम दुनिया में सबसे आगे रहे प्रकृति के रक्षण संरक्षण में। और ये जो प्रकृति का रक्षण संरक्षण का इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम था, जो इंडियन विजडम थी, वो हमें हमेशा मजबूती देती रही। उसी के कारण हम पूरी दुनिया में पूछे गए। आज भी यदि हम दोबारा से उन सपनों को संजोना चाहते हैं, उन सपनों को हम देखना चाहते हैं, तो अभी भी इस बात की जरूरत है कि हम नेचुरल डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को बढ़ावा दें। और वो रूरल इकोनॉमी है, वो नेचुरल इकोनॉमी है। ये जो सेंट्रलाइज्ड प्रॉफिट कंपटीशन का ग्लोबल इकोनॉमी नेटवर्क है, उसमें हम कभी दुनिया के टीचर नहीं बन सकते। वो हम हमारे व्यवहार और संस्कार में नहीं है। हमारे व्यवहार और संस्कार में है भारतीय आस्था पर्यावरण की रक्षा का संदेश देती रही है। अभी भी भारतीय आस्था में पर्यावरण रक्षा का संदेश है। उसी संदेश को समझकर हम दुनिया के गुरु बन सकते हैं। आप जानते हैं 74 में जब पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ, उसी वक्त यूएन ने ये पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया था। लेकिन ये पर्यावरण दिवस भी फैशन हो गया है,
सब लोग फैशनेबल चर्चाएं करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को, अपने संस्कार को, अपने जीवन को प्रकृति के लिए समर्पित करके प्रकृति के साथ जीने का जो भाव है, वो भाव पैदा करने का ललक हमारे अंदर नहीं बचा है। इसलिए हम जब भी साइंटिस्टों से बात करते हैं तो वो टेक्निकल सॉल्यूशन बताते हैं, और टेक्निकल सॉल्यूशन एक भी इस बारे में आज तक सक्सेस हुआ नहीं है।